हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वहां से जहां हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था, राइट? तो इसका जो रिजल्ट आया था वो आपके सामने था यहां पे। वेलकम टू नेक्स्ट जेएस 13.5, राइट? और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। हमको पता है कि आप लोग बिल्कुल बिगनर हो, लेकिन आपको HTML मालूम होगा, CSS मालूम होगा और JavaScript मालूम होगा। तो जो अभी तक हम लोगों को पता है, पहले उस चीज़ों को Next.js के एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करना सीख लेते हैं, राइट? तो जिस तरह से आप HTML का कोड लिखते हो, HTML के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? टैग, राइट? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ था कि H1 जो है वो H1 हमारा HTML का टैग है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें कि और भी कुछ नेक्स्ट HTML का हम लोगों को टैग इंप्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो div HTML का टैग है, आपको पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज दिस इज माई न्यू div, राइट? और इसको हम लोग सेव करते हैं, और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट मिल गया, एंड दैट इज कॉल्ड द हॉट रीलोडिंग, राइट? और ये फीचर Next.js के पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो इसको अगर हम लोगों को साइड बाय साइड देखना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, राइट? तो आप देख लो कि यहाँ से हम लोग जो भी कुछ एंट्री करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे एक और डिवीजन क्रिएट किया और इसके अंदर में हम लोग लिख लेते हैं सपोज न्यू डिव, एंड जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने सेव किया Ctrl+S, वैसे ही यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। इसको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ Next.js, एंड इमीडिएटली इट इज रीलोडिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हॉट रीलोडिंग, राइट? चलो यहां तक तो समझ में आ गया कि हम लोग HTML के किसी भी टैग को यूज कर सकते हैं। एक अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे मैंने H1 टैग यूज किया था, फिर इसका साइज और इस डिवीजन वाले का साइज, दोनों का फॉन्ट साइज सेम कैसे है, राइट? तो ये जो इफेक्ट है वो है टेलवेंट CSS का, राइट? क्योंकि टेलवेंट CSS जो है वो इसका डिफॉल्ट CSS फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेड है। तो अभी हम लोग टेलवेंट CSS को साइड में रखते हैं और हम लोग फोकस करते हैं HTML टैग के ऊपर, राइट? तो कुछ और टैग भी अगर तुम चाहते हो ट्राई करना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे UL किया हम लोगों ने, और UL के अंदर में हम लोग LI लिखते हैं, और यहाँ पे लिखा मैंने first, राइट? और इस तरह से अगर हम लोगों ने कुछ एलिमेंट को यहाँ पे एंट्री कर दिया, राइट? और अब इसे सेव करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे इफेक्ट मिल गया। अब देखोगे कि यहाँ पे जो UL हम लोगों ने लगाया, फिर से यहाँ पे कोई भी इसका बुलेट मार्क नहीं आया, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेलवेंट CSS, राइट? तो हम लोग टेलवेंट CSS के साथ कैसे काम करेंगे वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों को ये समझ लेना था कि HTML एलिमेंट हम लोग एज इट इज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखोगे कि इसके पास जो हम लोगों का टाइटल आ रहा है ना, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो बनाया है फाइल, और वो फाइल है हम लोगों का page.js, और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, राइट? तो यहाँ पे देखो कि कोई भी HTML का जो हम लोग कोड लिखते थे ना, हेड, टैग या बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वो जो बॉडी था या हेड टैग होगा, वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है? तो इसी के लिए Next.js हम लोगों को प्रोवाइड करता है layout.js। और जब हम लोग layout.js के अंदर में जंप करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। अब इस सारे कोड को देख करके घबराना नहीं है, राइट? यहाँ पे हम लोगों के पास कुछ कोड है, जिस कोड को समझ लेते हैं। टाइटल यहाँ पे देख लो, टाइटल है, और टाइटल में लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, और यही टाइटल हमारा पेज का टाइटल होता है, राइट? तो यहाँ पे जो हम लोग को मिल रहा है क्रिएट नेक्स्ट ऐप, वो आ रहा है हमारे लेआउट के साथ, राइट? तो अगर तुम इस लेआउट में चेंज कर दो यहाँ पे, और हम लोग लिख लेते हैं माई Next.js प्रोजेक्ट, राइट? एंड देन सेव करो। जैसे ही सेव करेंगे ये यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, माई Next.js प्रोजेक्ट, राइट? तो अब समझ में आ गया होगा कि टाइटल हम लोगों को कहाँ पे चेंज करना है,
और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन तो आपको अब हेड टैग के अंदर में जा करके मिलेगा, राइट। तो इसको देखने के लिए तुम क्या करो, यहाँ पे आ जाओ पेज के ऊपर, राइट क्लिक करो और यहाँ पे तुमको मिलेगा इंस्पेक्ट, राइट। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर में एलिमेंट है और एलिमेंट बटन के अंदर तुम देखो यहाँ पे मिलेगा हेड, राइट। अब इस एरो वाले को क्लिक करो, इस एरो वाले के अंदर में तुम्हें दो चीजें मिलेंगी, टाइटल एंड देन मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, राइट। तो टाइटल में मिल गया हमको माय नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट और डिस्क्रिप्शन में मिल गया जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप, राइट। तो अगर तुम चाहते हो कि सही में वहां से आ रहा है या फिर यहाँ पे हार्ड कोडेड है, तो यहाँ पे चेंज करके तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि This is my Next.js project, right? और यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे मिल गया This is my Next.js project. तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि हम लोगों को टाइटल कहाँ पे लिखना है और डिस्क्रिप्शन कहाँ पे लिखना है, और ये आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से ये हमारे SEO को इम्प्रूव करता है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और नेक्स्ट चेस जो है वो हमारे SEO फ्रेंडली फ्रेमवर्क है, राइट। अब SEO फ्रेंडली कैसे है, SEO कैसे काम करना है, ऑन पेज SEO क्या होता है, ऑफ पेज SEO क्या होता है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए केवल हमको समझाना था कि आप टाइटल कहाँ से चेंज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन कहाँ से चेंज कर सकते हो, राइट। तो एक तो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इस पेज के अंदर हम लोग HTML टैग को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और चूंकि हम लोग जो यहाँ पे HTML टैग लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं JSX एलिमेंट, राइट। तो अब JSX क्या होता है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं अभी कि ये हमारा एक HTML एलिमेंट है, राइट। और दूसरी पॉइंट कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कहाँ से चेंज करेंगे, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे समझना है जो आप CSS जानते हो, राइट, और वो CSS का इफेक्ट हम लोगों को कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे देखो एक ग्लोबल CSS है, राइट, और ग्लोबल CSS के अंदर में जो भी CSS इफेक्ट लिखेंगे वो हमारे ऑल पेजेस के ऊपर अप्लाई होगा। ऑल पेजेस के ऊपर क्यों होगा, क्योंकि आप देखो लेआउट के अंदर में हम लोगों ने इम्पोर्ट करके रखा है यहाँ पे कि ग्लोबल डॉट CSS। एक्चुअली हम लोगों ने नहीं किया है यहाँ पे इम्पोर्ट, सो नेक्स्ट जेएस हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटीज, राइट। तो यहाँ पे ग्लोबल डॉट CSS के अंदर हम लोग जो कोड भी लिखेंगे वही इफेक्ट अप्लाई होगा जो भी हम लोग पेज यूज करेंगे। तो इस सारे पेजेस के ऊपर में अगर हमको CSS का इफेक्ट लिखना है तो कहाँ लिखेंगे, इस ग्लोबल डॉट CSS के ऊपर। तो अब देखो आपको अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जब हम लोग ग्लोबल डॉट CSS को यहाँ पे लिखेंगे तो ये ग्लोबल डॉट CSS इस पेज के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है, राइट। दिस इज द वैलिड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं पेज डॉट JS वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है लेआउट डॉट JS के अंदर, राइट। और लेआउट के अंदर में देखो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है रूट लेआउट, एंड इनसाइड द रूट लेआउट देयर इज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड चिल्ड्रेन, राइट, एंड दिस चिल्ड्रेन इज रेंडर्ड इनसाइड अ बॉडी टैग, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास HTML टैग है, HTML के अंदर में बॉडी है, राइट, और बॉडी के अंदर में जो हम लोग लिखते थे हेड टैग, वो हेड टैग हम लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया मेटा डेटा के अंदर, राइट। अब मेटा डेटा को हम लोग कैसे डायनेमिकली अपडेट करेंगे, इसको कैसे चेंज करते हैं, ये सब आगे की बात, राइट। अभी के लिए तत्काल समझ लेना है हम लोगों को कि बॉडी टैग के अंदर में रेंडर किया गया है चिल्ड्रेन को, और ये जो चिल्ड्रेन है वही हमारा पेज डॉट js है, राइट। तो ऐसे समझो कि ये जो हमारा मेन टैग है, राइट, ये पूरा मेन हम लोगों का यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया चिल्ड्रेन की जगह पे, राइट, और ये रेंडर होकर के हम लोगों को रिजल्ट मिल गया यहाँ पे आउटपुट। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ का जो ग्लोबल डॉट css के अंदर का कोड है वही इफेक्ट हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो आप CSS पता होगा, CSS में हम लोग डिफरेंट टाइप का सेलेक्टर यूज करते हैं, जैसे टैग सेलेक्टर हो गया, क्लास सेलेक्टर हो गया, ID सेलेक्टर हो गया,
राइट। तो मैं यहाँ पे अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बतलाता हूँ कि अगर मैं H1 के ऊपर में कोई भी CSS इफेक्ट लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, राइट। तो मैं चलता हूँ ग्लोबल डॉट CSS के अंदर और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं टैग सेलेक्टर H1, एंड इनसाइड द H1 आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट। सो कलर इज सपोज रेड एंड अनदर वन इज आई वॉन्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑल्सो, राइट। सो फॉन्ट साइज इज सपोज 25 पिक्सल एंड देन सेव इट एंड सी द आउटपुट। हेयर इट इज इफेक्ट, राइट। तो अब तो कन्फर्म हो गए हम लोग कि यहाँ पे जो हम लोग ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर में लिखेंगे सी एस एस का कोड वो हमारा इफेक्ट करेगा इस पेजेस के ऊपर, राइट। अब पेज डॉट जेएस फाइल लेना है या कोई और भी फाइल का नाम ले सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे एक एक करके। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो कुछ भी पढ़ना है मैं जानता हूँ आप बिगनर हो, राइट। तो आप केवल मेरे ऊपर छोड़ दो इन सारी चीज़ों को, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, राइट। लेकिन ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।